Sir, the cystocele would be either due to mass suppression effects. And there is no sir urinary complaint. No symptoms. Ye bol. If there were symptoms, फिर तो आपको लाजम था कि ऊपर से मैं इसे निकालूंगी, नीचे से उसका सिस्टोसेल का रिपेयर करूंगी, फिर ये दोनों कंबाइन करनी लाजम थी, उसके बगैर नहीं बनता काम। लेकिन अगर आप ये मैं बोला अरे भाई वो सिस्टोसेल का तो आपने कुछ किया ही, तो उसका जवाब कि मैडम इन दिस पेशेंट सिस्टोसेल इज एसिम्प्टोमेटिक, ना पेशेंट ने कंप्लेन की है मैस कमिंग डाउन, ना यूरिनरी सिम्टम्स है, यही दो सिम्टम हो सकते हैं। सिस्टोसेल इज एसिम्प्टोमेटिक। तो मैं अगर आपसे जनरल सवाल पूछूं, पेशेंट कम्स टू यू लेट्स से फॉर पेन डिस्कम्फर्ट और समथिंग, यू एग्जामिन शी हैज गॉट यूट्रोजेनल प्रोलैप्स, तो आप उस यूट्रोजेनल प्रोलैप्स का क्या करो? अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, हाउ विल यू डील विद दैट यूट्रोजेनल प्रोलैप्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक द डिटेल हिस्ट्री रिगार्डिंग द सिम्टम्स कॉजिंग बाय द प्रोलैप्स रिलेटेड टू प्रोलैप्स प्रोलैप्स एंड शी इज एसिम्प्टोमेटिक, देन सर देयर इज नो नीड टू जो वो साथ एक फिक्रा बोली, आप क्या फिक्रा होना चाहिए? देयर इज नो नीड टू ट्रीट दिस प्रोलैप्स, तो वो एसिम्प्टोमेटिक प्रोलैप्स है, तो आप एसिम्प्टोमेटिक प्रोलैप्स का आपका कहना ये होगा कि आई विल नॉट ट्रीट दिस बिकॉज she is not having any symptom. Number one. And number two, sir, there is no sir on examination agar wo hai na prolapse ho hai, it's not affecting her life and she is what to say, it's asymptomatic. Asymptomatic means asymptomatic. ये मेरे पास ये मेरे आईब्रो पे मोर है बचपन से है, इट डजंट बॉदर मी, सो इज देयर फॉर लास्ट 80 इयर्स इट इज देयर, बट इफ इट बॉदर्स मी आई विल गो एंड हैव इट रिमूव्ड। सो यू विल कॉल द पेशेंट इफ इट इज बॉदरिंग यू, देन इट इज नॉट बॉदरिंग, इफ they are not bothering. We will not treat. I will counsel the patient and I will try to relieve if there are any risk factors present. No. Sir, it is asymptomatic. Yes, it can become symptomatic after. Ye hai jawab ke because of your surgery, because of your treatment, it might become symptomatic. Might become symptomatic. तो अभी ये तो बिल्कुल ऐसे है ना, हनीकॉम लगा हुआ है, छत्ता लगा हुआ है आपके घर के दरख्त के ऊपर, है तो छत्ते में कुछ ना कहो, थोड़ा कुछ नहीं कहना, वो आपको कुछ नहीं कहता, मक्खियां उड़ती है वो फूलों से शहद लेके आ जाती है, they don't bite you, they don't bother you, they don't do anything. ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰੋ ਪੱਥਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। Do you know ਕਿ ਇਹ ਹਨੀਕੋਮ ਮੇ ਜੋ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਮੱਖੀਆਂ, ਉਹ ਹਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਬੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਡੈ ਇਨਸਾਨ, ਹਨੀਕੋਮ ਕੀ ਬੀਜ ਜੋ ਹੈ ਉਨਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, वो उसका अपना पैलेस होता है, उसमें रहती है, उसके गार्ड्स हैं, उसके वर्कर्स हैं, उसके डॉक्टर्स हैं, उसके इंजीनियर्स हैं, उसके सारा कुछ है, नहीं है तो उसमें वकील नहीं है क्योंकि आपस में लड़ती नहीं है, आपस में लड़ती नहीं है, तो
there are no lawyers in that honeycomb, but they are doctors, they are engineers who design karte hain apna honeycomb, aur wo sare dev laborers, workers, designers, everything is there. Nahi hai to lawyer nahi hai. Ke lawyer ne kal ko the puri rakhi hai na. Ab wahan se kaise kaise behra do. So ye rabe ki baat yaad rakhiye aap sab ke asymptomatic prolapse. You should say if it is asymptomatic, doesn't matter. वो एग्जामिनर आपको पुश करेगी कि ये सेकंड डिग्री प्रोलैप्स है तो मैडम अगर ये पेशेंट को कंप्लेंट नहीं है इसकी अगर वो कंप्लेंट करती है मेरे जिस्म बाहर आता है मेरे तो कंप्लेंट हो गई ना वो उसकी सिम्टम हो गई फिर उसका हम इलाज करेंगे इलाज पैसे से करे रिपेयर से करे ऑपरेशन से करे लेकिन अगर वो इंसिडेंटल फाइंडिंग है इसको इंसिडेंटल फाइंडिंग है तो उसका कहिए मैडम दिस इज इंसिडेंटल फाइंडिंग पेशेंट इज नॉट बॉदर्ड और शी डजंट हैव एनी कंप्लेंट अबाउट इट आई विल नॉट टच इट एवी यू कवे पैसे ते पाई दियो ना बाबा वो सेकंड डिग्री बाहर आता है उसको कुछ नहीं कहता उसको कुछ नहीं कहता रहे। मैंने कुछ साल पहले एक प्रोफेसर ऑफ सर्जरी की बीवी की बजाय रिपेयर की जिसको हम थर्ड डिग्री कहते हैं ना यूट्रस बाहर पड़ी और वो बाहर पड़ी होगी पिछले 20 साल वो she lived with it, wife of a surgeon. She was not bothered. It wasn't causing any symptoms. लेकिन अगर वो आके कहे कि coitus की problem, अगर वो आके कहे मैं बाहर आता है heaviness है ये वो फिर आप फिर propose करोगे treatment conservative or operative. Conservative or operative. So in this case, your case, अगर examiner कहे वो ही जो जैसे मैंने बोला कि वो उसको सिस्टोसील आपने उसका भी कुछ किया तो आप कहें कि मैडम अगर उसकी सिम्टम नहीं है शी नॉट बल्कि आपके ये कि मैं करूंगी तो हो सकता है उसको फिर गाइड वजाइना हो जाए पोस्ट ऑपरेटिव रिपेयर की प्रॉब्लम्स के एपायोनिया डिस्पायोनिया ये बड़ी कॉमन है ये बड़ी कॉमन है और फिर यूरिनरी सिम्टम्स उसको पहले स्ट्रेस नहीं दिया आप होगी और फिर कैथेटर डालने की वजह से यूटीआई ये सारी सिम्टम्स पहले नहीं थी वेरी गुड नाउ अच्छा देना माशाल्लाह कि ये है जवाब उसकी सिस्टोसील की अगर वो सिम्टोमेटिक है फिर कहे कि मैं वो ऊपर का ऑपरेशन कंप्लीट करके नीचे से उसकी रिपेयर करूं और सपोज उसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है साथ सपोज उसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है साथ सर इट कुड बी ड्यू टू दैट प्रोलैप्स दैट मैस इट कैन बी ड्यू टू दैट मैस गुड सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर इसके साथ में आई वुड हैव टू अंडरगो First of all, I'll exclude urinary tract infection and then I'll advise patient for the urodynamics and then I will decide whether it is, I'll confirm the diagnosis and if it is there, then during surgery, after removing the cyst, I will do transvaginal ठीक है तो
So we can also do worst corpo suspension with that also, because we are opening it. We can also do that, and the other option is TMT. Sir, after removing the cyst, vaginally I will do... Vaginally to nahi remove karte hai isko. Sir, in combined due to cystocele, if there she has a stress incontinence, do the anterior repair. And sir, wo jo buttress sutures apply karte hai, the Kelly sutures. If the TVT is not available. It might be possible ki patient ko ye symptom cyst ki wajah se pressure symptom ho sir. आप उस तरफ है लेकिन पूरी नहीं गई. इसका जवाब ये होगा कि वो सारी अगर उसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस आई विल डू इन्वेस्टिगेशन कंफर्म शी हैज ये लफ बोली आई विल डू सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस कंफर्म इट इज जीएसआई जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस देन आफ्टर रिमूवल ऑफ द सिस्ट आई हैव ये इस तरह से बोलना है इम्तिहान में इस तरह से बोलना है आई हैव द ऑप्शंस ऑफ सेंटेरियो कॉर्पोरेफी टीवीटी and corpus suspension. ये बोले ताकि पहला फिक्र ये बोलने के बाद फिर डिस्कशन ये नहीं होगी कि एंटीरियर कॉर्पोरेफी विद कैली स्टिच क्या परसेंटेज है रिलीफ की क्या रिकरेंस की है या टीवीटी की क्या सक्सेस रेट है या कॉर्पस सस्पेंशन की क्या है क्या नहीं है. यही पेशेंट है सर, निकल गई फिर क्या हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली कंफर्म हो गया. Sir, I'll counsel preoperatively. I'll counsel my patient that she has, since she is having genuine stress incontinence, we have a few treatment options by which it can be relieved. Will that include the transvaginal tape or the sling procedures, Birch corpus suspension, or corpus suspension and other interior corporate वो ये कहेगी तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा या पूछेगी आपकी क्या चॉइस है. सर, आई कैन से दैट कि सिंस शी इज ऑलरेडी गोइंग अंडरगोइंग एन एब्डोमिनल प्रोसीजर एंड द बर्च कॉर्पस सस्पेंशन इज कंसीडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. ये बोले और अगर ये बर्च नहीं करना तो फिर ये कहिए कि आई विल डू लेट्स से एंटीरियर कॉर्पोरेफी विद कैली स्टिच जो सबसे कम सक्सेसफुल है ये तीनों में से. लेट्स से कि आप ये कहेंगे मैंने ये करूं है वो मैडम पूछती है कि व्हाई नॉट बच व्हाई नॉट टीबीटी वो कहो कि मैं ये इजीएस्ट है और हमने किया हुआ है देखा हुआ है and gives reasonably good results. अगर आप बच भी कह दें टीवीटी भी कह दें तो भी ठीक है. अगर मतलब ये जो तीनों नाम ले लिए ना फिर आपको वो ये नहीं कहेंगे इसको ये नहीं आता. अगर आप सिर्फ एंटीरियर कॉर्पोरेफी विद कैली बोलोगे फिर वो कहेगी फिर वो अट जाएगी वही ना बच वही ना. तो अगर इसको सिस्टोसील को भी हमने हैंडल करना है जीएसआई है तो पहले हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कंफर्म करेंगे काउंसल करेंगे एंड वी विल गिव द चॉइस ऑफ दिस टीम. गुड वेरी गुड.